हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप जानते हो, आज 1 मार्च है और आपका फिजिक्स का यूपी बोर्ड का एग्जाम हो चुका होगा। आशा करता हूँ कि पेपर सबका काफी अच्छा गया होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चन आए थे उनका सोल्यूशन क्या था, कैसे वो क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछले साल की तरह इस साल रिपीट हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले शिक्षा ने का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि चांदी का परलतांक क्या होता है। तो परलतांक को आप इंग्लिश में बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबको पता है जो धातुएं होती हैं, धातुओं को लेकर के वैल्यू कितनी होती है, अनंत। तो इसका जो पहला आंसर है वो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। आपका पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा, आई होप आपने सही किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था आपका, जो पेपर में दिया गया था सेकंड ऑब्जेक्टिव, कह रहे थे इसमें कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परिपथ है। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इधर से इनपुट वोल्टेज लगा है मतलब कि निवेशी वोल्टेज लगा है, और इधर आउटपुट मिल रहा है मतलब कि आपको निर्गत वोल्टेज मिल रहा है। बाकी कनेक्शन आपको दिखाया गया था, तो आप जानते हो ये किसका यहाँ पर आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका उभय निष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। क्या आंसर होगा इसका, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। जो अगर आपके आंसर शीट के हिसाब से देखें तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी। इनमें सारे बच्चे आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होगा कॉमन इमिटर इमिटर एम्पलीफायर एम्पलीफायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव का सलूशन हो गया है, आई थिंक ये आपका सही होगा, ऐसा करता हूँ मैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला जो ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है आपका कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। तो आप जो पतले प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला होता है विचलन कोण का वो क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इन ब्रेकेट एन माइनस वन। और आपसे कह रहे हैं कि अपवर्तक कोण और विचलन कोण दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पे आपको दिया है कि डेल्टा एम ए के बराबर है, या कोई गिवन है, या कोई दिया गया है। तो यही रख दीजिए इसकी जगह इसको, तो ए इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वन इज इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ से इनकी वैल्यू आपकी आ जाएगी दो। तो जिस ऑप्शन में आपका दो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इस वाले ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा, तो यहाँ पर बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है इसके हिसाब से, जो पेपर के हिसाब से, वो बी है, आई होप आपने करेक्ट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए बढ़ते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव की ओर। आपको दिया गया था समीकरण 4(1H1) gives out 2He4 plus 2 plus 1 beta 0 and Q। यहाँ पर आप जानते हो, आपसे पूछा जा रहा था जो दिया गया समीकरण किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो आपका न्यूक्लियर थ्योरी का क्वेश्चन था, और आप जानते हो जो ये रिएक्शन लिखी है किसकी रिएक्शन बेटा, एक बड़ा का टूट के दो बड़े छोटे कणों का निर्माण कर रहा है, और ये रिएक्शन आपकी होती है नाभिकीय विखंडन में। किसमें होती है, नाभिकीय विखंडन में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर था ये था आपका न्यूक्लियर फिजन, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव, इसके हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव का आंसर सही हो रहा है वो आपका ए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आप टिक में किया होगा आपने सही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। तो पूछा गया था इस वाले ऑब्जेक्टिव में, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं, आपको कई सारे कण दिए गए थे, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका अल्फा कण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो अल्फा पार्टिकल। और ये रिपीट क्वेश्चन था, इसे पहले भी क्वेश्चन अनसॉल्व में रिपीट है, तो अगर आप देखोगे तो ये रिपीट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने अनसॉल्व सॉल्व की होगी तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन था, और इसका जो करेक्ट आंसर वो है अल्फा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। इस ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि प्रतिरोध आर प्रेरकत्व एल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एन तथा अनुनादी आवृत्ति एन आर है, किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। तो आप जानते हो इस वाले में पूछा गया था कि धारा विभव से पश्चगामी होगी, इसका मतलब वोल्टेज आगे होगा करंट पीछे होगी, या आप कह सकते हो कि करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगी। तो यहाँ पे जो इसका करंट ऐसा था वो था एन इज ग्रेटर देन एन आर, जो आपका चौथा ऑब्जेक्टिव था, जो आपने उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने टिक लगाया होगा। तो यहाँ तक आपके सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो चुके हैं, अब आगे जो न्यूमेरिकल्स है उनके सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर का जो है यहाँ पर, जिसमें आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले
कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और कटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किसी ये वाला जो टॉपिक है, ये है किसी लेंस को अगर हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज आपने क्लियर पढ़ी होगी कि अगर लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक, कहने का मतलब है कि एनजी द्रव के अपूर्णांक के बराबर हो जो दिया हुआ है केस, तो आप जानते हो लेंस को डुबोने पर क्या होता है, तो लेंस की जो फोकस दूरी वो कितनी हो जाएगी बेटा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। और इस केस में अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई तो आप जानते हो लेंस किस की तरह काम करता है, तो लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की तरह काम करता है। लेंस एक समतल पारदर्शी, यहां पर लेंस किस की तरह काम करता है, तो लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की तरह काम करेगा। कहने का मतलब आप देखोगे यहां पर तो जैसा लगता है खो ही गया इसमें जाके, प्लेट की तरह काम करता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, अगर आप इसको डुबो दोगे तो ऐसा लगेगा गायब हो गया, क्योंकि अगर दो चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो उनके थ्रू रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी अनंत और लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की तरह काम करेगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे कहा था 7 and 14 नाभिक पर आवेश, आपको बताना है कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर में है जिसमें आपने कूलाम फला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप जानते हो न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो अगर हम नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को देखेंगे तो यहाँ पर आप जानते हो कि 7 प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे कितने होंगे, 7 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब आसानी से आप जानते हो कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए जो भी नाभिक पर आवेश होगा कि वो किसके चार्ज के बराबर होगा, वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, इसको प्लस ई से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा दो, 7 × 1.6 × 10⁻¹⁹, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 11.2 × 10⁻¹⁹, आप पॉइंट को इधर ले आओ तो 1.12 × 10⁻¹⁸ कूलम्ब, ये आपका आंसर होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन आप जानते हो कूलाम वाले चैप्टर में है, और आई होप आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दी गई थी। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन बुक का है, यहाँ पर आपको वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दी गई थी, I बराबर 3.5 sin 628 t प्लस π/6 और V बराबर 2.28 sin 628 t - π/6 इनटू वोल्ट में दिया गया। अब आपसे पूछा गया था कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, सबसे पहले आपसे पूछा गया था धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको आप कहते हो VRMS वैल्यू, क्या कहते हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था RMS वैल्यू क्या होगी, IRMS पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको पता ही होगा क्या होता है, IRMS बराबर होता है आपका I0/√2। अब आप खुद जानते हो कि यहाँ अगर कंपेयर करें तो आई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई थी, 3.5, और इसको रूट टू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो आप यहाँ पर, तो 3.5 / 1.414। यहाँ पे हम जानते हैं कि रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2.48 एम्पियर, और यही आपके पहले पार्ट का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो सेकंड पार्ट इसका वो भी देख लेते हैं। इस वाले पार्ट में हमसे पूछा गया टाइम पीरियड कितना होगा, जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया टाइम पीरियड कितना होगा। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आप जानते हो ओमेगा टी इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 628 t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, जबकि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T। यहां से आप जानते हो कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहां पे आप टी इज इक्वल टू 628, अब आपको पता है यहां पॉइंट टाइम है तो यहां 2 0 हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहां से जो टी की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1/100, चाहे आप डिवाइड करके लिख लो इसका, तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट आओगे ऊपर फिर 0 बढ़ाओगे तो 0.01 सेकंड, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। आई होप इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो इसका तीसरा पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइम। इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है इसमें आपसे पूछा है धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना होगा, जो आपका डेल्टा फाई होगा वो कितना होगा। तो सब लोग यहाँ जानते हैं कि जो डेल्टा फाई होता है वो होता है φ1 - φ2। अब आप जानते हो कि ये φ/6 आ गया तो ये +φ/6, लेकिन ये φ/6 पीछे तो -φ/6, तो आपको पता है π/6 + π/6 दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 2π/6, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा π/3, जो किसके बराबर होता है और 60 डिग्री, ये आपका तीसरा सोल्यूशन होगा इस वाले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट का। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप जानते हो रिपीट क्वेश्चन था, ये भी एक बार इससे पहले पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बैंक से भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा रिपीट क्वेश्चन था। कहे थे चुंबकीय अमोत्तर से 30 डिग्री कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह 36 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है,
वास्तविक नमन कोण का मान क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है आप जानते हो क्या होता है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। यहाँ पे आप इसको लिख लो कॉस, अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो कॉस अल्फा तो नहीं लिखो, चलो इसको थीटा डैश से लिख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, थीटा के लिए यहाँ जो वैल्यू दी गई है ये है आपकी कितने के साथ बनाता है, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये थीटा की वैल्यू आपको दी गई थी, ये 45 डिग्री हमने यहाँ वैल्यू रख दी, बी वी बाई बी एच कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 डिग्री। अब टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर बी वी बाई बी एच को सेव करके रखते हैं, कॉस 30 को इधर ले आते हैं, तो इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। अब आपको पता होगा कि बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको सबको पता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। कितनी होती है यहाँ पर, रूट 3/2, और रूट 3/2 अगर हम लोग देखें तो बी वी बाई बी एच तो टेन थीटा के बराबर होता था, तो इसको लिख लेते हैं टेन अल्फा के बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर इसको लिख लेते हैं टेन अल्फा के बराबर, और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो लगभग होती है 1.732 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 0.866। अब आप जानते हैं आपका आ गया 0.866, इसको इधर भेज दें तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 0.866, और अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई तो आपका यही एक आंसर होगा। यहाँ तक आपको आगे कोई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन था, इससे पहले भी ये पूछा जा चुका था, तो अदरवाइज आप क्वेश्चन आंसर्स लगा के गए होंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपका रिपीट जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहा जाता था कि क्राउन कांच को समतला उत्तल बनाना है, हम समतला उत्तल बनाना चाहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्व, ये किसका यहाँ पर केस था, यहाँ पे आपका था प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि प्लेनो कॉन्केव बन जाए, तो प्लेनो कॉन्केव का मतलब हुआ कि ये तो एक तो रहेगा ही आपका कॉन्केव, ठीक है। जैसे आप देखोगे इसको बनाओगे तो एक तो कॉन्केव रहेगा, लेकिन इधर वाला आप जानते हो प्लेन हो जाएगा, तो ये वाला तो आपको पता है कि इसके लिए तो आप इनफाइनाइट ही लोगे, और R1 जो भी होगी इसको निगेटिव कंसिडर करोगे, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि दोनों के क्या होगा, यहाँ पे पावर दी गई है आपको, P कितना दिया गया, P आपको दिया गया -2.5 डायोप्टर, और आपको इफेक्टिव इंडेक्स भी दिया गया 1.65। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, और आपके लिए तो अच्छा है क्योंकि 1/f ही किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा आपका -2.5 = n की वैल्यू कितनी है 1.65 - 1 इन ब्रैकेट, r की वैल्यू को निगेटिव लेना है तो -1/r ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इनफिनिट, ठीक है। तो हो जाएगा -2.5 = 0.65, यहाँ बचेगा इनटू -1/r, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, इसको इधर ले आएंगे तो r इज इक्वल टू 0.65 / 2.5, पॉइंट आएंगे तो ऊपर एक जीरो, यहाँ पॉइंट आएंगे तो नीचे 2, 0, क्लियर है। अब हमको बताना है कि यहाँ पर कैसे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बचा आपका 65, और नीचे कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका डिवाइड करने पर, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 65 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 250। अब यहाँ पर जो भी चीज़ दी गई, अभी ये हमको नहीं पता कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कंसिडर करेंगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो, किस में बदल जाएगा ये, सेंटीमीटर में। अब आप एक जीरो से जीरो का तो 5 × 2 = 10, 50 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ से आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 26 सेंटीमीटर। तो आपको आर की वैल्यू कितनी रखनी होगी, तो आर की जो करेक्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी 26 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू रखोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समतल हो जाएगा और एक अवतल, जिसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 26 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में आप जानते हो सेक्शन डी का है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक ही पदार्थ से बने समान द्रव्यमान के दो तार ए और बी लिए जाते हैं, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों ही तारों के द्रव्यमान सेम है, इसका मतलब M1 और M2 आपस में बराबर है। आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होता है द्रव्यमान बराबर, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो डी इज इक्वल टू होता है M/V, तो m का फॉर्मूला निकालेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d × v, यहाँ पर भी d × v, यहाँ d1 v1 = d2 v2, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ से बने तो डेंसिटी तो सेम ही होगी दोनों की, तो यहाँ से d आपका कैंसिल, अब v1 इज इक्वल टू v2 हो गया। आपको पता है कि बैलून इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पर भी एरिया इंटू लेंथ लगा देंगे तो a1 l1 इज इक्वल टू a2 l2। अब आप जानते हो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले टर्म में लिखेंगे पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल वन इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर इंटू एल टू, यहाँ पाई से पाई भी आपका
कैंसिल। अब आपको पता है कि यहाँ अगर हम लोग देखें तो कितना होता है डायमीटर का, आधा होता है, तो यहाँ करेंगे तो डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एल वन इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर बाई फोर इंटू एल टू। यहाँ भी फोर से फोर आपका कैंसिल। अब हम एल वन बाई एल टू निकालेंगे तो एल वन बाई एल टू इज इक्वल टू डी टू बाई डी वन का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, इसका मतलब अगर तार बी का व्यास है डी तो डी का आपका आधा हो जाएगा डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो टू ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा फोर बाई वन, इसका मतलब एल वन रेशियो एल टू कितना हो जाएगा फोर रेशियो वन। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आप जानते हैं हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। अगर हम लिखें आर वन इज इक्वल टू रो एल वन बाई ए वन, और दूसरे क्या लिखें आर टू इज इक्वल टू रो एल टू बाई टू, दोनों डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा, तो आपका आएगा आर वन बाई आर टू, ए टू तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा ए टू बाई ए वन इंटू एल वन बाई एल टू। ठीक है, आर वन की वैल्यू आपको दी गई, तार ए का प्रतिरोध दिया गया है 24 ओम, आर टू का निकालना है, ए टू बाई ए वन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आप जानते हो ए टू की वैल्यू तुम्हें यहाँ पता नहीं कितनी होगी, तो ए टू की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अभी आपने निकाला था ना वहाँ पे कि पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे लिख लेते हैं पाई आर टू स्क्वायर अपन पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल वन बाई एल टू, तो आप निकाल चुके हो चार बटे यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ निकालेंगे तो ये 24 बटे आर टू, और यहाँ लिखेंगे आर टू बाई आर वन का स्क्वायर किया तो कितना आया था वहाँ पे आर टू बाई आर वन का स्क्वायर निकाला तो यहाँ तो आया था चार बटे एक बुढ़े चार बटे एक कर, तो यहाँ पे आप चार छः 24 और आर टू की निकालेंगे तो आएगा 6/4, और 6/4 की वैल्यू होती है आप जानते हो 4 × 4 = 4, 5 = 20 लगभग 1.5 ओम, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो दूसरा वाला तार है उसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध होगा आपका 1.5 ओम, और यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब आपको ईएन दिया गया है, और ईएन आप जानते हो कितना होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एक इसके बराबर ये बराबर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, -3.4 लिख दिया मैंने। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ले सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आपकी आएगी 2, इसका मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु कि यहाँ पे ऊर्जा दी गई है दूसरे ऊर्जा स्तर में दी गई है, जिसमें आपका पूछा जा रहा है कोणीय संवेग क्या होगा। तो आप जानते हो बोर का जो सिद्धांत है, बोर का सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जे जो होता है वो किसका होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो एन की वैल्यू है 2, एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³⁴, वो पता है 2π की वैल्यू रखेंगे 22/7, और ये क्या होता है तो आप जानते हो ये होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है किसकी कोणीय संवेग की। ये भी आपका एक रिपीट क्वेश्चन था, और आप जानते हो अगर आप देखोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन था, और ये आपका क्वेश्चन बैंक में है तो ये रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं कि इस बार क्वेश्चन रिपीट है। आप जानते हो जो न्यूमेरिकल छोड़ देते, जो थ्योरी के क्वेश्चन है बहुत ही आसान थे, बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए, तो कुछ भी उसमें टफ नहीं था। इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचे सेक्शन सी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन था यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो था 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9×10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे जो ऊर्जा दी गई है यहाँ पर कितनी दी गई 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी इज इक्वल टू होता है 2E/m, ये भी तो लगा सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और 2E की वैल्यू कितनी दी गई थी यहाँ 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जानते हो क्या ले सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, और द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन के लगभग हम यहाँ ले सकते हैं 9×10⁻³⁹। अभी आपको बताएंगे यहाँ पे हमने इसका यूज क्यों नहीं किया 9.1 का। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे आप 0 यहाँ पे 10 कर लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ तो 45 × 2 = 90 और 9 × 10 = 90, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस 10 से 10 को हमने कैंसिल कर दिया है। अब आप लेके जाओगे तो इधर बचेगा 16 का रूट होता है 4, और -31 ऊपर जाएंगे तो बचेगा -+12, देखिए -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, 19 में 31 हटाएंगे तो 12 बचेगा, जिसका अगर रूट निकालोगे तो आएगा 10⁶ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी 4×10⁶ मीटर पर सेकंड। अब आपसे त्रिज्या पूछी जा रही, तो आर बराबर क्या होता है एम वी अपॉन क्यू वी,
m की वैल्यू देखेंगे तो m की वैल्यू वही 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, v की वैल्यू भी आपके लिए निकाली मैंने 4 इंटू 10 की पावर 6, और बात करें q की तो q को आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस 19, और b क्या होगा आपका, b आपको दिया गया है 9 बटे 10 की घात माइनस 5, ये 9 से ये 9 कैंसिल, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो मान लीजिए ऊपर पॉइंट हटा दिया यहाँ पर, अभी इसको थोड़ा सा मैं सही लिख लेता हूँ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 25, और ये माइनस का 24 ऊपर जाएगा तो प्लस का 24, और 1.6 यहाँ पॉइंट आएंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 10, ये आपका 25 से 25 कैंसिल हो गया, बचेगा 4/16, 4 × 1 = 4, 4 × 16 1/4 डिवाइड करेंगे तो आपका 0.25 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। या अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप सीधा लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप जानते हो कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के और इस सेक्शन के, और इस क्वेश्चन आप जानते हो ऐसा क्वेश्चन डेरिवेशन में भी, ये ऐसा जो फिनोमिना इस क्वेश्चन का पूरा ऐसा डेरिवेशन में भी यूज हो चुका है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एम द्रव्यमान और क्यू आवेश का, तो यहाँ पर एम द्रव्यमान और इस पे आवेश है क्यू, ठीक है। का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आपको दिया गया, जो विद्युत बल रेखाओं द्वारा दिखाया जाएगा ई से दिखाया जाएगा, ठीक है। विराम अवस्था से चलकर कितनी दूरी तय कर रहा है, तो ये आपकी दूरी जो तय कर रहा है ये है डी। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, तो आप जानते हो इस कण पे हम बल देखें तो बल एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा एफ बाई एम, ठीक है। तो जिसका त्वरण होगा इस कण का वो होगा एफ बाई एम, और आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो बल की वैल्यू क्या होती है, तो एफ बराबर होता है क्यू ई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई बाई एम। अब आपको पूछे कितनी दूरी तय करता है तो गति के तृतीय समय अगर देखें तो क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो s की जगह कितना हो गया d, क्योंकि विराम अवस्था से चला तो वेग तो जीरो हो जाएगा, 2a की जगह कितना दोगे आप qe बाई m, और दूरी हो जाएगी d, तो ये स्क्वायर के अंदर भेजोगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2qed/m, यही आपको प्रूव करना था। कितना आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको जानते हो बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता आपने डेरिवेशन किया था अनुगमन वेग में, वैसा आपका यहाँ पर दिया गया था, आई होप आपको अच्छे समझ में होगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो नेत्रिका में दर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपको ये तो यहाँ पर दे ही दिया गया है हिंट में कि एफ ओ प्लस एफ, यही तो उनके बीच की दूरी होती है जो किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर के, और यहाँ पे आवर्धन क्षमता एम जो है वो किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं बराबर होता है एफ ओ अपॉन एफ ए के, ठीक है। अब यहाँ देख लो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और ये एफ ओ अपॉन एफ ई को आप करोगे तो यहाँ पर आपको खुद पता है कि यहाँ से आपका रिलेशन आएगा एफ ओ इज इक्वल टू 9 FE, रख दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 FE + FE = 20, 10 FE = 20, तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, तो यहाँ से एफ ई इज इक्वल टू आएगा 2, और 2 के यहाँ पर आपका सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा नेत्रिका की, जबकि एफ ओ की दूरी निकालोगे तो 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी होगी अभिदर्शक की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन था आपने किया होगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं सारे क्वेश्चन का जो सलूशन है आपको समझ में आया होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही शानदार वीडियोस पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें, ताकि कोई भी वीडियो जब आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।